नमस्ते फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 300 BC भारत की, मतलब आज से 2300 साल पुराने भारत की। नो स्लेवरी, नो इनइक्वालिटी, यहाँ तक के सेना में औरतों को भी शामिल किया जाता था और ऐसी सब हैरतअंगेज बातें भारत के बारे में हमको पता चलती है एंशियंट ग्रीक्स के द्वारा। प्राचीन भारत के इन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम ऑब्जर्व एंड एनालाइज करते हैं प्राचीन भारत के कहानियाँ, स्क्रिप्चर्स और उसके इतिहास को, और उनमें मेंशन सिंबल्स और ओल्ड इंडियन रिचुअल्स को। तो सीधे चलते हैं स्क्रिप्चर्स के सेगमेंट में और पता लगाते हैं कि स्क्रिप्चर्स में क्या छुपा है। इंडिका, ये एक ग्रीक किताब है जो ओरिजिनली लिखी गई थी मेगाथिनस नाम के ग्रीक एम्बेसेडर द्वारा, जिनको खास भारत भेजा था सेल्यूकस ने 300 BC के आसपास भारत के बारे में डिटेल में जानकारी हासिल करने के लिए। उन्होंने पूरे भारत का अध्ययन किया था उस समय, और उस समय के भारत की राजधानी पाटलिपुत्र में रहकर उन्होंने इस किताब की रचना की थी। अफसोस, आज इस ओरिजिनल किताब के बस कुछ अंश ही मौजूद है, पर एक और इंडिका नाम की किताब भी लिखी गई थी एरियन द्वारा 2nd century AD में, जो मेगाथिनेस की ओरिजिनल किताब से प्रेरित थी। और ये बुक उन्होंने एक मिलिट्री जर्नल के तौर पर लिखी थी, और हम ये कह सकते हैं कि इसमें लिखी गई बातें ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स पर बेस्ड रही होगी। मेगाथिनेस के इंडिका बुक के फ्रेगमेंट्स और एरियन के लिखे हुए ग्रीक बुक इंडिका को इंग्लिश में ब्रिटिशर्स ने 19th century में ट्रांसलेट किया था, और इन्हीं ट्रांसलेटेड बुक्स को रेफर करके ये वीडियो बनाया गया है। 19th century के ब्रिटिश स्कॉलर्स के मुताबिक मेगाथिनेस भारत में 303 BC में आए थे, जब चंद्रगुप्त मौर्य का राज था भारत में, जिनका नाम ग्रीक्स ने सैंड्राकोटस ऐसा मेंशन किया है। इंडिका में ये नोटेड है कि चंद्रगुप्त तक टोटल 153 राजाएं हो चुके थे भारत में, और इन्होंने 6042 सालों तक भारत पर राज किया था इतिहास में। और इस दौरान 3 बार भारत में गणतंत्र स्थापित की गई थी, 300 साल तक जितने लंबे कार्यकालों तक भी। उस बुक में लिखा है कि भारत में बहुत सारे भिन्न प्रकार के लोग रहते थे, अलग अलग रंग रूप और वेशभूषा के, पर उनमें से एक भी विदेशी ओरिजिन का नहीं था, और भारतीय सारे इंडिजिनस थे। इंडिका में मेंशन्ड है कि कैसे भारत के बाहर रहने वाले सभ्यताएं भारत को इंडिका बुलाते थे, क्योंकि भारत के वेस्टर्न बॉर्डर की शुरुआत में इंडस नदी आती थी। इस बुक में मेंशन्ड है कि भारतीयों ने 300 BC से पहले कभी भी किसी और देश पर या सभ्यता पर कभी आक्रमण या जंग नहीं किया था, और ना ही भारत में किसी ने भी बाहर से हमला कर इन्वेजन किया था। वो इस चीज का कारण बताते हैं कि भारतीय राजाओं में हमेशा से एक सेंस ऑफ जस्टिस होती थी, जो उन्हें भारत की सीमाएं लांग कर दूसरे देशों पर हमला या जंग करने से रोकती थी। हमें इससे पता चलता है कि भारतीयों में 2300 साल पहले भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना जीवित थी, जिसका मतलब होता है ये पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है। उस समय भारत की राजधानी पाटलिपुत्र शहर कितना भव्य था, इसके बारे में भी उल्लेख मिलता है। इस शहर को उन्होंने भारत का सबसे बड़ा शहर कहा था, जो आज के मॉडर्न डे बिहार में हुआ करता था, जहां सोन नदी और गंगा नदी का संगम होता है। और इस शहर के बॉर्डर्स पर ऊंची दीवारें बांधी गई थी, जिनमें 570 टावर हुआ करते थे, और इन दीवारों में कुल 64 भव्य दरवाजे हुआ करते थे। इन टावर्स और दरवाजों की संख्या से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये शहर कितना बड़ा और भव्य हुआ करता होगा। इस शहर के लोग अनुशासन पसंद करते थे और सारे नियम कानून का सही रूप में पालन करते थे। भारत के राजधानी में ही कुल 400,000 से ज्यादा लोग रहते थे, और सारे सुख शांति और भाईचारे से जिंदगी बिताते और बहुत सभ्यता से जीवन जगते थे। इस बुक में स्पेशली मेंशन है कि भारत में कोई भी किसी का गुलाम नहीं हुआ करता था, और किसी को गुलाम बनाने की इजाजत भी नहीं थी। भारत के फिलोसोफर्स का मानना था कि किसी भी परिस्थितियों में कोई भी किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को स्वाधीन रहने का पूरा अधिकार है। कोई भी इंसान किसी भी दूसरे इंसान पर डोमिनेट नहीं कर सकता है, और भारत का कानून भी उस तरीके से ही बनाया गया था जिससे सबको समान अधिकार मिले। सिर्फ प्रॉपर्टी यानी जमीन को असमान भागों में बांटे जाने की अनुमति थी, एकदम सेम जिस तरह आज डेमोक्रेटिक देश चलते हैं। भारत में उस समय लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हुआ करती थी कि लोग बेफिक्र होकर अपने प्रॉपर्टी पर किसी भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं रखते थे, क्योंकि चोरी ये प्रकार ना के बराबर होती थी। लोगों की आर्थिक हालत अच्छी थी, ये इस बात का सबूत ये भी है कि इस बुक में लिखा है कि भारत के लोगों को एक दूसरे से पैसे उधार लेने की आदत नहीं थी,
और ना ही राजा के दरबार में इस विषय में कोई कानून था, क्योंकि क्वचित ही कोई किसी से उधार लेता या देता था। लोगों के रहन सहन के बारे में भी इंडिका में मेंशन है, जैसे लोग कॉटन यानी कपास से बने हुए कपड़े पहनते थे। इस पैराग्राफ में एक धोती, कमर के ऊपर भाग को ढकने के लिए वस्त्र और सिर पर पहने जाने वाले फेटे का वर्णन मिलता है। लोग उस समय सजने सवरने पर भी विशेष ध्यान दिया करते थे, और सजने सवरने में तो पुरुष उस समय हमारे जमाने से भी आगे थे। लोग दाढ़ी रखना पसंद करते थे और दाढ़ी को अलग अलग प्रकार के डाय यानी रंग देते थे, जैसे आज हम हेयर कलर करते हैं। लोग दाढ़ी को सफेद, नीला, लाल, पर्पल और हरे रंग का भी डाय लगाते थे फैशनेबल दिखने के लिए। लोग धूप से बचने के लिए छतरियों का इस्तेमाल करते और व्हाइट लेदर से बने हुए नुकीले फैशन के जूते भी पहनते थे, जिसके सोल मोटे होते थे जिससे इंसान ऊंचे दिख सके। और एक इंटरेस्टिंग बात नोटिसेबल है कि इस बुक में स्पेशली मेंशनड है कि उस समय भारत में डाउरी सिस्टम यानी शादियों में दहेज के लेन देन की प्रथा नहीं हुआ करती थी। इस पैराग्राफ में स्वयंवर का कंसेप्ट भी मेंशन किया हुआ मिलता है, जिसमें राजा अपनी बेटी की शादी की उम्र होने पर उसे युद्ध कौशल में माहिर उपयुक्त वर चुनने का मौका देते थे। महिलाओं को पुरुषों से अलग बिल्कुल भी नहीं समझा जाता था। राजाओं के सिक्योरिटी में और सेना में महिलाएं भी शामिल होती थी, जो रथ चलाना जानती थी, घुड़सवारी करती थी, और ये महिलाएं सारे हथियारों से लैस होती थी। भारत में एक कम्युनिटी थी जिन पर हमेशा महिला महारानियों ने ही राज किया था इतिहास में, जिनके महिला वंशजों ने 300 से ज्यादा शहरों पर इसके पहले राज किया था, और ये महिलाएं 1.5 लाख जितनी बड़ी सेनाओं को भी संभालने में सक्षम थी। इस तरीके की जेंडर इक्वालिटी हमें आज के जमाने में भी देखने को नहीं मिलती है। मौर्यन साम्राज्य की सेना बहुत ज्यादा बड़ी हुआ करती थी और सशक्त हुआ करती थी, जिसके सैन्य घुड़सवारी में उस्ताद थे। सोल्जर्स भाले और तलवारों से लड़ते थे। सेना में तीरबाज भी हुआ करते थे, जिनके पास इंसान के जितने बड़े हाइट वाले धनुष होते थे और उनका निशाना एकदम सटीक होता था, और किसी भी तरीके का शील्ड या कवच इनके तीरों को रोकने में सक्षम नहीं था। ये सोल्जर्स दोनों हाथों से बराबरी से लड़ने की क्षमता रखते थे और बहुत बहादुरी से लड़ते थे। भारत के भीतर अंदरूनी राज्यों में अगर कोई मुठभेड़ या सिविल वॉर होता, तब हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता कि किसानों पर और उनकी फसल पर किसी भी तरीके की कोई आंच ना आने पाए। किसानों की रक्षा पर खास ध्यान दिया जाता था। भारत में उस समय ऑफिशियल कामकाज संभालने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करते थे। जैसे एक डिपार्टमेंट था जिसमें लोगों के जन्म और मरने का पूरा हिसाब किताब मेंटेन किया जाता था, जैसे आज गवर्नमेंट्स करती है। ट्रेडिंग यानी व्यापार पर भी खास ध्यान दिया जाता था, जिनमें अफसर जो नियुक्त होते वो बाजार में बिकने वाले चीजों का सही नापतोल करते थे और कानून व्यवस्था के हिसाब से सही चीजें बेची जाए इसका ध्यान रखते। प्रोडक्ट्स के निर्माण पर भी देखरेख की जाती थी और व्यापारियों से टैक्स भी वसूले जाते थे, ठीक जिस तरीके से आज मॉडर्न वर्ल्ड में होता है। आप लोगों को अभी तक जो मैंने बातें बताई उससे आपको एक अंदाजा तो आ ही गया होगा कि ग्रीक्स के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से भारत में कितना अच्छा वातावरण हुआ करता था उस समय 300 BC में, और सब लोग ज्यादातर शांति से एक साथ रहते थे मिलजुल कर। अब बचे कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि उस काल में लोग किस प्रकार के काम करते थे, सामाजिक व्यवस्था क्या होती थी, क्या उस काल में कास्ट सिस्टम था। इन सारे विषयों के बारे में इन डिटेल चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो और वीडियो टॉपिक्स के रिसर्च में मदद करना चाहते हो, तो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में जरूर सोचें। वन टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए UPI ID है ITW@IDBI, जहां आप किसी भी मनी ट्रांसफर ऐप से ट्रांसफर कर सकते हो, और आप patreon.com पर जाकर मेंबरशिप भी ले सकते हो। लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप हमें हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग, एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।